आप लोग यार बिल्कुल सपोर्ट नहीं करो, कोई लोग सब्सक्राइब और लाइक कमेंट तो कतई करना ही नहीं है यार। चलो फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ यार। चलो पार्ट यहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमारा पहला पार्ट ख़त्म होता है। सीन दिखाया जाता है जो उसके घर की नौकरानी होती है लॉयड के, उसने अपना सर पकड़ रखा होता है, कहता है सर यार मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और बाहर का सीन दिखाया जाता है विलेज में, वहाँ पर एक बंदा जो होता है बोझा लेके जा रहा होता है, उसके भी सर में बहुत दर्द हो रखा होता है। एक जो गाय चराने वाली होती है, जो गाय पालती है, वो भी कह रही होती है, शिकायत कर रही होती है कि मेरी जो गाय वगैरह है वो पानी नहीं पी रही है और उनको जो है बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा और मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा। पूरे गांव में ऐसे ही हालत हो के रखी होती है उसके, पूरे काउंटी में सॉरी, और सभी लोग ऐसी शिकायतें कर रहे होते कि उनके सर में दर्द है। लोग सभी लोग फोटो में देख पा रहे होंगे। हमारा लॉयड सोचता है कि आखिरकार मुझे पता तो है सब कुछ, इसमें आखिरकार खोने वाला क्या है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हैं जो मैं पहले से नहीं जानता। जैसे वो चींटी वाला जो हुआ था उसके बारे में मुझे नहीं पता था, मैंने जो है द नॉवेल नाइट किंग जो ये पढ़ के रखी है, लेकिन इसमें कुछ प्लॉट हैं जो मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ इतना पता है कि ये जो विस्कॉन्ट लोकोना है उसकी एक डाई शॉप है और वो जो ब्लू कलर के बीन्स है उसको यूज़ करता है वो उसको डाई करने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मुझे लग रहा है उसी ने कुछ लोचा किया, वो जो है उसको पानी में मिला के दे रहा है, कुछ पानी में है जो गड़बड़ कर रहा है वो, और उसमें जो है कचरा अपना कुछ फेंक रहा है और वो सोचता है कि इस बास्टर्ड ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो भी मेरे से पंगा लेके। जानता नहीं लॉयड फ्रंटियर आखिरकार चीज क्या है। दिखाया जाता है इधर विला जो हमारा इसका होता है लॉयड का, उसके फादर बैठे होते हैं वहाँ पर, विस्कॉन्ट लोकोना का जो होता है वो आया होता है वहाँ बंदा और कह रहा होता है ऐसा है सर जेवियर सॉरी सर बैरोन, आप जो है हमारे जो बैरोन उनकी है विस्कॉन्ट लोना की उसकी जो तुमने ज़मीन जितनी जो कुछ है उसको तुम्हें वापस कर देना चाहिए। यार तुम समझते नहीं हो ऐसे, तुम कब तक काम चलाओगे? और ये जो पानी में ना तुम लोगों जो इशू हो रखा है ना, वो हम ही लोगों ने जो पानी में गॉय ब्लू बेरीज डाल के रखा है, इसलिए तुम लोग उसके भास्टर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, उसके फादर बोलते हैं। और कहते हैं हाँ ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी ले के रखे हो मेरे लॉर्ड की, वो सब मुझे जस के तस वापस कर दो और ये सब बंद हो जाएगा। तो मैं जाके ये जो रिपोर्ट वहाँ पे करने वाला हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता है? जो है मैं वहाँ पे राजा से जाके उसके लिए कहूँगा, करेंगे अरे ठीक है जाओ कहो जाके, इसके लिए तुम्हें 2 साल लगेंगे और इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा और तुम वो खर्चा झेल नहीं पाओगे जब तक ये पानी कहाँ से लाओगे, ये पानी वगैरह खर्च तुम्हारी हालत। और ऐसे झुक के जो है उसको चिढ़ाने के लिए झुकता है, तसी हमारा लॉयड आता है बाहर से गेट खोलता है उसका और उसके पीछे जो नाइट खड़ा होता है उसकी पिच्चा हो जाता है एकदम। और हमारा लॉयड आते हुए कहता है कि कुछ लोग हैं जो कुछ कीड़े जैसे लोग वो हमारे पानी में जो है ये गंदी कुछ चीज़ें कचरा फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे काउंटी में ऐसी ज़्यादा हालत हो रखी होती है। ये अपने जो है फादर को ऐसे बता रहा होता है और पीछे से नाइट वो गुस्सा आ जाता है, तुमने हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा कैसे बोला कि क्या तुम कीड़े? ओ तुम ही वो घटिया लोग हो ना मेरे पानी में जो डाल रहे हो, आखिरकार तुम पीछे वहाँ कर गए थे, तुमने मुझे कीड़ा कैसे बोला, मुझे जो है ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ इसके लिए कि तुम आओ मेरे से 2-2 तलवार लड़ाओ आके, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे गुस्से में नाइट बोलता है। और फिर वही सीन दिखाया जाता है जैसे पहले एक बार सीन हुआ था, हमारा लॉयड उसको पीट डालता है अपने फावड़े से मार उसको थोबड़ा तोड़ देता है, कहता है वो कहता रुक जाओ मुझे छोड़ दो यार, प्लीज़ मुझे मत मारो यार, मैं हार मानता हूँ मुझे मत मारो प्लीज़। लेकिन हमारा लॉयड कहाँ रुकने वाला, फिर से उसको पीटना चले, मार फावड़ा उसका मुँह फावड़ा जैसा कर देता है मार। और उसका लॉयड का फादर होता है रुक जाओ यार लॉयड उसको मत मारो यार, लेकिन हंस रहा होता है कि पेल उसको पेल दो। और दूसरा सीन दिखाया जाता है उसकी तरफ, दूसरा जो लॉकॉन्ट होता है उसकी तरफ दिखाया जाता है विस्कॉन्ट की तरफ से, वो जाके पिट पिटा के वहाँ पहुँचता है और कहता है कि उन्होंने मुझे पिट डाल, तुम्हें मैंने वहाँ पे मार खाने के लिए भेजा था कि ब्लैकमेल करने के लिए, चलो ठीक है मेरे पास जो अब एक और मौका है उन लोगों को जो है अदालत में पीछे करने का, जहाँ पे अगर राजा के पास वो लोग जाते हैं, लेकिन वो मैं ज़मीन वापस तो लेके ही मानूंगा, अगर वो जाते हैं वहाँ पे तो उनको कम से कम 2 साल तक लगेगा उसमें जो है प्रोसेसिंग में, और उसके अलावा मैं 2 साल और लगाऊंगा, 4 साल हो जाए। इधर मेरा लॉयड भी हंस रहा था, वो सोच रहा होगा वो बंदा कि मैं 4 साल तक जो है ऐसे कुछ करने वाला हूँ, लेकिन मैं लॉयड फ्रंटियर फैमिली का हूँ, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं दूसरा रास्ता निकाल लूँगा मेरे भाइयों, पानी का कोई ना कोई जुगाड़ हो ही जाएगा, तुम लोग टेंशन ना लो। चलो आज के लिए पानी के लिए संघर्ष यहाँ से स्टार्ट होता है और हम लोग कुछ आगे करने वाले, तो सारे लोग उसके सामने कहते यस माय लॉर्ड सेफ्टी फास्ट, ऐसे करके सभी लोग चिल्लाते। एक हमें जगह दिखाई जाती है जहाँ पर उन्होंने 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और लंबाई से बना के रखा होता है, जहाँ पर जो हमारा ये होता है गोलू मोलू सब वो आके वहाँ पर पानी डाल रहा होता है उसके अंदर,
ये जो हैमस्टर जैसा होता है और वहाँ पे हमारा लॉयड खड़ा होता है और उसे जेवियर बोल रहा होता है कि सर जेवियर आप ये सर सॉरी सर लॉयड ये आप पानी का जुगाड़ ऐसे कर पाएंगे, ये वो बोलता है मेरा लॉयड ऐसा, ये तो बस टेम्परेरी काम है, मैं कुछ ना कुछ जो है जुगाड़ कर लूँगा और पानी का जो इशू है वो मैं ख़त्म करने वाला हूँ। मैं वहाँ पे जो है नदी पड़ती हूँ, कोई नदी के बारे में बताता है यार, उसका नाम बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं बोल पाऊँगा। कहता है वहाँ से मैं जो पाइपलाइन के द्वारा जो बिछा के पाइप है उससे यहाँ अपने अकाउंट में जो पानी लाने वाला हूँ, ऐसा कुछ जो उसको बता रहा होता है जेवियर को, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। कहता है लेकिन ये आप कैसे करने वाले हैं, क्या ये कैसे क्या होगा। कहता है चिल करो ब्रो, तुम देखोगे आखिरकार मैं कैसे क्या करता हूँ, तुम देखना हो बस। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है और सामने का एकदम बढ़िया ब्लू ब्लू स्काई होता है और यहाँ पे जो हमारा ये बंदा होता है ना उधर से जो काउंटी का वो उसका विस्कॉन्ट लोगो ना होता है वो टेंशन में बैठा हुआ अपना एकदम दांत से जो कट 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 करके अपना नाखून खा रहा होता है और वाके कहता है आपसे जो है लॉयड मास्टर लॉयड मिलने आया है। उधर से कहते हैं मुझे किसी से नहीं मिलना है वो, लेकिन वो कहता है कि वो कह रहे थे जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। कहते अच्छा, तो हमारा लॉयड अंदर आता है एकदम भौकाल में आके बैठता है। ओहो, तो आखिरकार तुम्हें कोई टेंशन हो के रखी है ना। कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रखी है, मैं उसका सलूशन हूँ समझ लो, और बल्कि मैं ही वो सब करने वाला हूँ यार, वो अंदर मन में बोलता है। कहता है इसको पता नहीं मेरे से पंगल, तुमको पता है ना मैंने जो पानी की प्रॉब्लम को पूरा अपना सॉल्व कर लिया, जो तुमने जो प्रॉब्लम खड़ी की थी ना उससे रिलेटेड। तो हमारा जो उधर से वो होता बंदा अगर इससे मेरी जो है प्रॉब्लम का क्या लेना देना है, तुम इससे रिलेटेड बताओगे कुछ कि आखिरकार क्या मेरी इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। कहते नहीं सुनो तो यार, मैं जब वहाँ से पानी ला रहा था ना वहाँ से इतनी दूर से तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और वहाँ से जो मैं पानी का जो है पाइप बिछा रहा था धीरे धीरे वहाँ से खींचते हुए लेके आया और मुझे रास्ते में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। कहते उससे मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या है, आखिरकार जो मेरी ये डाई शॉप है उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, उसको कैसे क्या तुमने ख़राब किया, वो तुम्हारा ही किया था। कहते हाँ किया मैंने, वो सब मैंने ही किया, वो जो तुम कचरा फेंक रहे थे ना पानी में मैं उसका बदला लेने के लिए ऐसा कुछ जो है कर रहा हूँ और मैं तुम्हें जो है छोड़ने वाला नहीं था। वहाँ से मैं पाइप जब बिछा आ रहा था रास्ते में लेकर, जो पाइप से इंसुलेशन वगैरह लगा के लेके आ रहा था रोड से पूरा एकदम रास्ता एकदम क्लियर करते, कहते उससे मेरे को क्या मतलब है, तुम ये बताओ मेरी डाई शॉप को आखिरकार क्या हुआ है और तुमने क्या किया उसके साथ में, बस मुझे इतना जानना है, फालतू का बकवास मत करो। लेकिन फिर भी मेरा जो लॉयड होता है यार मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कमीना हो रखा होता है, वो बताता है ऐसा है मैं उस जो है बैली से लेके आ रहा था, वहाँ बैली एक पड़ती है रास्ते में तो बीच में पड़ जाती है यार, मुझे वहाँ पे बहुत कुछ मिल। कहते उस मुझे बेली से लेके क्या करना है, वो उधर से बंदा कह रहा होता है। वो तो कहता है मुझे वहाँ पे जो बीच में बेली पड़ गई तो उसको मैंने रास्ते में सब विस्फोट करा दिया अपने जेवियर से और उसको वहाँ पे मुझे क्योंकि पत्थर वगैरह चाहिए थे काम करने के लिए तो वहाँ पे मैंने उसको ब्लास्ट करवा के तोड़ वगैरह दिए पत्थर के लिए और वो सब जाके जो मिट्टी धूल और ये सब कण वगैरह वो सब पानी में जाके गिर गए और वहाँ से बहते हुए उसी साइड में चले गए जिधर तुम्हारी जो ये है वर्कशॉप, वहाँ पर जाने लगते हैं। ऐसे कहता आखिरकार तुमने वो सब किया है, तुम आखिरकार ये बताना चाहोगे कि उससे पानी में जो सब गिरे उससे मेरे को क्या इशू है, आखिरकार मेरा उससे कैसे नुकसान हो रहा है। वो कहता है जो तुम्हारे वो कपड़े हैं ना गंदे से और उनको तुम देख सकते हो वो सब मेरा किया धरा है, जो पानी में गंदे कड़ वगैरह के, तुम घटिया इंसान कहीं के भाष्टर, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं जाकर राजा से शिकायत कर दूंगा। कहते क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूँ तुम बेटा जाकर शिकायत करो। वो दांत पीस रहा था सामने, मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें खींच के लेके जाऊँगा, मुझे राजा के पास ना बहुत ज़्यादा मेरे जान पहचान वाले लोग हैं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ।